ऋषि को होगा अपने किए पर पछतावा और मलिष्का के साथ शादी करने के लिए पहली बार बोलेगा अपनी माँ से झूठ और जाएगा मलिष्का के साथ शादी के जोड़े की शॉपिंग करने के लिए। लेकिन दुकान में ऋषि टकरा जाएगा लक्ष्मी से और लक्ष्मी देख लेगी ऋषि को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का के कमरे में लक्ष्मी ऋषि को उसकी चिट्ठी देने के लिए आएगी और मलिष्का ऋषि को एक साथ देखने के बावजूद जब लक्ष्मी ऋषि पर शक नहीं करेगी तब ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि चिट्ठी लेते हुए और डरते हुए लक्ष्मी को कहेगा कि तुमने इसे नहीं पढ़ा। तब लक्ष्मी कहेगी नहीं मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि ये तुम्हारा है। यह सुनकर ऋषि के दिल को काफी बड़ा झटका लगेगा और अपने धोखेपन के अपने किए का एहसास होगा। लेकिन जब लक्ष्मी कमरे में अलग सोफे पर सो रही होगी तभी ऋषि को लक्ष्मी को सोते हुए देखकर काफी ज्यादा अफसोस होगा और मन ही मन पछतावा होगा और कहेगा कि लक्ष्मी तुम किस मिट्टी की बनी हो, मेरी गलतियाँ तुम्हारे सामने ही होती है और मेरी गलतियाँ तुम्हारे सामने होने के बावजूद तुम कभी मुझ पर शक नहीं करती और उसे जानकर भी अनदेखा कर देती हो। सही में लक्ष्मी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम सॉरी लक्ष्मी, आई एम रियली सॉरी। यह सुनकर तभी लक्ष्मी की अचानक से आंखें खुल जाएगी और लक्ष्मी ऋषि को कहेगी कि क्या हुआ। तब ऋषि फिर से सॉरी बोलेगा और बारी के पास चला जाएगा और लक्ष्मी जब पूछती रहेगी कि क्या हुआ मुझे बताओ तब ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और लक्ष्मी ऋषि को बेड पर सुला देगी और ऋषि का हाथ पकड़ के लक्ष्मी नीचे जमीन पर बेड पर टेका देकर सो जाएगी। लेकिन जैसे ही जब सुबह होगी तभी ऋषि को मलिष्का के शादी के जोड़े की शॉपिंग करने की याद आएगी और ऋषि अचानक से उठकर लक्ष्मी पर गुस्सा करेगा। लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी को जमीन पर बैठे हुए देखेगा तभी ऋषि को फिर से अपने किए पर पछतावा होगा और लक्ष्मी को छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए ऋषि जब मलिष्का के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रहा होगा तभी उससे पहले अपनी माँ से एक सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, जहाँ पर ऋषि अपनी माँ को कहेगा कि मलिष्का मेरे साथ शादी करने के लिए एक साल इंतजार नहीं कर सकती और मैं लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर ऋषि की माँ के होश उड़ जाएंगे और ऋषि की नजर देखते ही ऋषि की माँ को एहसास हो जाएगा कि ऋषि उसे झूठ बोल रहा है। लेकिन बड़े राज का खुलासा होगा कि जहाँ पर ऋषि मलिष्का के साथ मलिष्का की शादी के जोड़े की शॉपिंग करने के लिए जाएगा तभी ऋषि के कार में मलिष्का के साथ शॉपिंग करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब ऋषि दुकान में शॉपिंग के लिए पहुँचेगा तभी वहाँ पर लक्ष्मी भी होगी और सबसे पहले ऋषि मलिष्का दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, जहाँ पर जब मलिष्का को एक शादी का जोड़ा पसंद आ जाएगा तभी मलिष्का उसे ट्राई करके देखने के लिए ट्रायल रूम में चली जाएगी और जब लक्ष्मी विराज के दादाजी से बात करी होगी और कहेगी कि मैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए आई हूँ तभी मलिष्का शादी का जोड़ा ऋषि को दिखाने के लिए ऋषि को ढूंढेगी। तभी लक्ष्मी के सामने से मलिष्का चली जाएगी और लक्ष्मी के दादाजी से बात कर लेने के बाद लक्ष्मी को एहसास होगा कि उसने मलिष्का को देखा है। लेकिन लक्ष्मी को उसका वहम लगेगा। लेकिन जब लक्ष्मी शादी का जोड़ा देख रही होगी और फाइनली पसंद कर लेगी और शादी का जोड़ा खड़ी होकर देखने के लिए जा रही होगी तभी पीछे से ऋषि शादी का जोड़ा देखने के लिए आ जाएगा और अचानक से ऋषि का पैर स्लिप हो जाएगा और सीधे ऋषि की नजर लक्ष्मी के हाथों में शादी के जोड़े पर जाएगी। लेकिन लक्ष्मी शादी के जोड़े के पीछे होने की वजह से ऋषि लक्ष्मी को देख नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी शादी का जोड़ा खींचेगी तभी लक्ष्मी ऋषि को देख लेगी और ऋषि लक्ष्मी को देख हिल जाएगा और शादी का जोड़ा मलिष्का ऋषि को दिखाने के लिए आ रही होगी तभी मलिष्का ऋषि लक्ष्मी को एक साथ देखेगी और मलिष्का को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और शॉपिंग के बीचों बीच मलिष्का ऋषि को छोड़कर चली जाएगी। और लेकिन आपको क्या लगता है कि ऋषि मलिष्का के साथ फाइनली शादी करेगा क्या नहीं और ऋषि की शादी मलिष्का के साथ होगी क्या नहीं? और लेकिन अगर ऋषि मलिष्का की शादी हो गई तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।